एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी पाठशाला। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन को ही कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। और ये कब बनाई गई, ये थी 1964 टू 1966 का टाइम पीरियड है। अब हम देख लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन कमीशन है क्या। इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो कि 1964 टू 1966 में प्रिपेयर की गई एंड पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, और इसे कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कोठारी कमीशन वॉज द थर्ड एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सिक्स्थ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो कोठारी कमीशन है, अगर हम इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद की बात करें तो उस टाइम पे ये थर्ड कमीशन थी जो एजुकेशन कमीशन बनाई गई थी, तो ये थर्ड नंबर पे थी। एंड अगर हम हिस्ट्री से लेके अब तक की बात करें, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करें, तो जिसका ओवरऑल नंबर है वो सिक्स्थ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। जितनी भी इंडियन एजुकेशन के लिए जो कमीशन्स बनाई गई हैं उसमें इसका कितना नंबर है, सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन इट इज़ द फर्स्ट कमीशन टू मेक अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में देखें, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई हैं या एजुकेशन कमीशन्स बनाई गई हैं, उसमें ये एक फर्स्ट ऐसी कमीशन थी जिसने क्या किया, जितनी भी एजुकेशन ब्रांचेज हैं उनको साथ में जोड़ने का काम किया, उनके सर्वे किए, उनमें जितनी कमियां थी उनको सुधारने के लिए इन्होंने अपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे और उनको सुधारने के लिए काफ़ी सारे काम भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो इस कमीशन्स में यही सब देखा गया था कि कॉलेजेस या स्कूल्स में या जितने भी एजुकेशन ब्रांचेज हैं उनमें कौन सी कमियाँ हैं, उनको कैसे सही किया जाए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो सब काम कहाँ किया गया। अब कोठारी कमीशन में आप देख ले, हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोठारी कमीशन द कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीएस कोठारी ऑन 14 जुलाई 1964। ठीक है, अब जो ये कोठारी कमीशन है, इसको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इसको अपॉइंट किया गया है और अंडर द चेयरमैनशिप जो इसके चेयरमैन थे वो थे डीएस कोठारी, और जो ये बनाई गई है कमीशन, ये बनाई गई 14 जुलाई 1964। तो अगर आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चेयरमैन का नाम भी वहाँ पे क्वेश्चंस में काफ़ी बार देखने को मिला। नेक्स्ट है यहाँ पे, डीएस कोठारी वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो डीएस कोठारी हैं वो चेयरमैन भी थे यूजीसी के, मतलब इस कमीशन के चेयरमैन तो थे ही, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन है, लेकिन वो उस टाइम पे क्या थे, यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ कमीशन वॉज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इस कमीशन का जो मेन काम था या जो ये क्या कर रही थी, ये एडवाइस दे रही थी, मतलब गवर्नमेंट को उसने एडवाइस दिया कि जो नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे सही करें, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ पॉलिसीज शुरू की जिससे क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके एजुकेशन का एट ऑल स्टेजेस, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी हायर इन सभी स्टेजेस पे क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही हो सके। इसलिए इस कमीशन ने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं और काफ़ी काम किया है। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ कोठारी कमीशन की मेरिट्स की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड नेशनल यूनिटी, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाए इस पर भी इन्होंने काम किया, डेवलपमेंट किया है उन्होंने सोशल और नेशनल यूनिटी पर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, रैपिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ सोशल एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं, अब हम इसमें ब्रीफली इनके बारे में समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट मेरिट जो है वो है आपकी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी,
इसे लिखने के लिए मैंने क्या किया है, डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट में बनाया, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है में वो है साइंस और कंपलसरी पार्ट। कोठारी कमीशन का कहना था कि जो साइंस है वो क्या होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी पार्ट होना चाहिए, कंपलसरी एक सब्जेक्ट रखा जाए, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, साइंस एजुकेशन शुड बी मेड अ कंपलसरी पार्ट ऑफ ऑल क्योरिकुलम इन स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे हर जगह क्या है, जो साइंस है वो कंपलसरी होना चाहिए, और ठीक है, और हर जगह इसको पढ़ाया जाना चाहिए। अब साइंस इन प्रैक्टिस, सेकंड उन्होंने कहा है, साइंस शुड बी अप्लाइड फॉर वर्क इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन। साइंस को हम क्या करें, अप्लाई करें एग्रीकल्चर में भी और प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस शुड बी मेड अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ वर्क एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस होना किसी भी चीज़ के लिए, मतलब प्रैक्टिकल वर्क हम एक तरह से बोल सकते हैं, अगर जब तक हम किसी चीज़ को करके नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि क्या गलत है क्या सही है, रिजल्ट कैसे आना है कैसे नहीं आएगा, अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं वो हमारी गलत क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है जब हम उसको खुद से करके देखते हैं। तो वर्क एजुकेशन में वर्क एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एम्फोसाइज शुड बी लेड ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है ये कोठारी कमीशन के थ्रू। नेक्स्ट है वोकेशनल, सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी मेड एज वोकेशनल एज पॉसिबल। जितना हो सके सेकेंडरी एजुकेशन को उतना वोकेशनल बना जा सके। वोकेशनल में क्या होता है कि मोस्टली हम वो सब्जेक्ट ऐड करते हैं जो बच्चे की चॉइस हो या जो उसको अच्छा लगे, जो उसमें उसका इंटरेस्ट हो, तो वो सभी सब्जेक्ट कहाँ पे आते हैं आपके वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड मेरिट जो है यहाँ पे कोठारी कमीशन की, वो है कल्टीवेशन ऑफ सोशल एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, सोशल और नेशनल यूनिटी कल्टीवेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोशल एंड नेशनल सर्विस। इसमें आपका आएगा इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट एट ऑल लेवल। सोशल और नेशनल सर्विसेज जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होने चाहिए हर एक लेवल पे। ठीक है, चाहे स्कूल हो कॉलेजेस हो या। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी, कोठारी कमीशन ने लैंग्वेज पॉलिसी पे भी काम किया है। द गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेटेड अ सुटेबल लैंग्वेज पॉलिसी फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल नेशनल एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो कोठारी कमीशन थी इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी काफ़ी फोकस किया है, या उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं कि अगर ये सब, अगर हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज होगी तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब नेशनली तो हम यूनिटी बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सेकुलरिज्म है, यहाँ पे मोस्टली 1600 लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाते हैं, तो अगर मल्टीलिंगुअलिज्म अप्लाई किया जाएगा तो कोशिश होगी कि हर पर्सन दूसरे पर्सन से, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में जाके भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से वहाँ एडजस्ट कर सकते, क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज आती है, क्योंकि हमने ये सीखी है। तो ये कहाँ से होगा, एजुकेशन सिस्टम में, जब हम इन सब लैंग्वेजेस को ऐड करेंगे। तो ये एक क्या है, एक पॉइंट है यूनिटी क्रिएट करने का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस शुड बी लैंग्वेजेस स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज बी सेटअप टू इम्पार्ट एजुकेशन इन सम इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक तो हमारा जो है लैंग्वेज पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जिसमें फर्स्ट हमारी मदर टंग है, सेकेंड हमारी कोई भी हो सकती है हिंदी या फिर इंग्लिश में से हम चॉइस रख सकते हैं, और थर्ड था हमारा फॉरेन लैंग्वेज। तो मतलब यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम में फॉरेन लैंग्वेजेस को भी रखा जाए, या तो उसमें हम सिंपल बोल सकते हैं इंग्लिश हो या फिर फ्रांस या फिर रशियन, हम कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी मेरिट की, तो वो है कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी, ये तो पता है कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अब इसकी एजुकेशन भी तो होनी चाहिए ना सभी को, कि क्यों इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं, ऐसा क्या है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, एजुकेशन से। फर्स्ट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करा रहे हैं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान हुआ, या फिर
राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं, इसमें है इट इम्पार्टेड टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। 14 ईयर्स तक, मतलब 14 साल तक के बच्चे को क्या है, फ्री और रेगुलर जो मतलब कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। अडल्ट एजुकेशन पे किस लिए दिया गया, एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी को कम करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सिविक सिविल नेशनल एफिशिएंसी। मतलब जब कोई भी पर्सन एजुकेट होगा तो वो क्या होगा, एक सभ्य और डिसिप्लिन के साथ रहने वाला होगा। इससे क्या होगा कि यूनिटी भी इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल एजुकेशन बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। मतलब इक्वल एजुकेशन सिस्टम भी बनाया गया कि सभी को जो है एजुकेशन वो इक्वली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे हम एजुकेशन दें या फिर हम कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे या रिलीजन के बेस पे हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस करें। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो एजुकेशन है वो सभी के लिए सेम है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, क्रीड हो, चाहे कोई भी कलर हो। ठीक है, तो ये क्या सब शो करता है कि क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे मेरिट है कोठारी कमीशन की वो है एक्सेलरेशन ऑफ द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी टू अचीव मॉडर्नाइजेशन, स्कूल बेस्ड टेक्नोलॉजी बी अप्लाइड। अगर हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है तो स्कूल्स में क्या है, टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाए। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना या प्रोजेक्ट्स के नॉलेज देना, या फिर आप बात करें फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पर शुरू कराए जाएँ। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, टू एडवाइज मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन शुड बी मेड एन इम्पोर्टेंट टूल। मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए जो एजुकेशन थी वो सबसे क्या, एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम कर रही थी। इसी से क्या हो रही थी, हेल्प हो रहा था मॉडर्नाइजेशन में। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इन हैबिट, एजुकेशन शुड बी यूज एज अ टूल एंड कल्टिवेटिंग इंडिपेंडेंट थॉट। अब एजुकेशन जो है टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है हमारे थॉट्स को, मतलब इन हमारे विचारों को मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए जो है एजुकेशन एज अ टूल काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरिट है वो है, नेक्स्ट मेरिट यहाँ पे है आपके पास, कल्टिवेशन ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू का भी कल्टिवेशन करने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स या रिकमेंडेशन दिए हैं कोठारी कमीशन ने। द कमीशन गिव ओपिनियन डेट एजुकेशन शुड अफेक्ट सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरेक्टर। कमीशन ने ओपिनियन दिया है कि जो एजुकेशन है वो क्या कर रहा है, एक अफेक्ट डाल रहा है सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे इन स्टूडेंट। ये क्या है, एज अ टूल काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है स्टूडेंट का कैरेक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट का कैरेक्टर बनाने के लिए भी एजुकेशन जो है एज अ टूल काम करता है। ये वहाँ पे क्या बिल्ड कब करेगा, सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो इस कोठारी कमीशन के जितने भी मेरिट्स थे वो हमने सब देख लिए हैं। अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।